कोरोना के खदशात, हुकूमत का फिजाई ऑपरेशन बंद करने का फैसला। हर किस्म का एयर ट्रेवल 2 हफ्ते के लिए बंद होगा। फैसला वजीर आजम इमरान खान की मुशावरत से किया गया। मोईद यूसुफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसला हुकूमत के लिए मुश्किल था, लेकिन सूरत हाल देखते हुए किया गया है। अवाम की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। PIA की कुछ परवाजें पाकिस्तान से बाहर हैं, उनको वापस आने की इजाजत होगी। कल ये फैसला किया गया, हालात को मद्देनजर रखते हुए एक मुश्किल फैसला ये किया गया कि आज बरोज हफ्ता 8 बजे शाम से, 21 मार्च 8 बजे शाम से लेके 2 हफ्ते के लिए पाकिस्तान के अंदर तमाम बैनुल अक्वामी जो फ्लाइट्स हैं, पैसेंजर फ्लाइट्स, वो नहीं आ सकेंगी। ट्रेवल जो है इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, अंदरूनी जो पाकिस्तान आ रही हैं, वो सस्पेंडेड रहेगा 4 अप्रैल शाम 8 बजे तक। ये एक बहुत मुश्किल फैसला है हुकूमत के लिए। वज़ीर आज़म साहब और तमाम उनके मुशीरों ने सूबाई इनपुट भी इसमें शामिल थी, उसके बाद ये फैसला किया है और ये एक टेम्प्रेरी सस्पेंशन है। जब मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल फैसला है, तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम रिव्यू भी कर रहे हैं, बारहा रिव्यू कर रहे हैं सिचुएशन को, और ये भी देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के लिए, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सबसे बेहतर क्या फैसला है। सिर्फ एक इसमें एक्सेप्शन हम दे रहे हैं, क्योंकि PIA की कुछ परवाजें हैं जो पाकिस्तान से जा चुकी हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में, यूरोप में खास तौर पे, उनको वापस आने की इजाज़त होगी, वरना हमें जाहिरी बात है हमारे वो जहाज़ जो हैं वहाँ स्ट्रैंडेड होंगे, उनको वापस आने की इजाज़त होगी और वो कल सुबह तक तमाम जहाज़ जो हैं वो वापस आ जाएंगे, बस समेत उनके जो भी बुक्ड पैसेंजर्स हैं।